इस लेसन में मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगी कि कैसे सेंटेंस होते हैं, क्या पहचान होती है और वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। ये बहुत इजी टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस कैसे होता है, वो काम कर रहा होगा, राइट, रहा होगा या रही होगी, या अगर प्लूरल है तो कर रहे होंगे। इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखना होगा और विल बी यूज करना होगा। प्रेजेंट, सॉरी, फ्यूचर इनडेफिनेट में हम सिर्फ विल यूज कर रहे थे, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम विल बी यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। पहचान कैसे होगी, वो काम कर रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे। आगे चलते हैं, यहां मैंने कुछ आपके लिए एग्जांपल्स लिखी हैं, इसको देख के आप ज्यादा सीखेंगे। आई विल बी राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आर्टिकल लिख रहा होगा। देखिए ये फ्यूचर है, इसलिए आपको मालूम है कि रहा होगा, इस तरह के होगा, विल हम यूज करेंगे, विल बी। रहीम विल बी रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, रहीम मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़ रहा होगा फ्यूचर में। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड, वो उस मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो जहां पे भी रहे होंगे आएगा, आपने विल बी यूज करना है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी एड करना है। ये इसकी और एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है यू के साथ, यू विल बी शॉपिंग एट द मार्केट, आई विल बी सिंगिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स। तो विल बी के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, आई एन जी लगाना है। कौन से किस्म के ये होते हैं, ये होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद यहाँ पे मैंने वही जो हम लास्ट लेसन में भी सीख चुके हैं कि अगर आपने फ्यूचर कंटिन्यूस को हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, जैसे यू विल बी शॉपिंग एट दैट मार्केट, तो विल और बी इन दोनों के दरमियान आपने नॉट लगाना होगा, इसको हमने नेगेटिव बना दिया। यू विल नॉट बी शॉपिंग एट दैट मार्केट, आप उस मार्केट से शॉपिंग नहीं कर रहे होंगे। याद रहे नॉट कहाँ लगाना है, विल और बी के दरमियान में लगाना है। इसको अगर आपने क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल विल को आप पहले ले आएंगे, विल यू बी। देखिए विल बी से नहीं स्टार्ट करेंगे, सिर्फ विल को आपने पहले लाना है, यू बी, बाकी आपने एज इट इज लिखना है, राइट। नॉट कहाँ लगाना है, नॉट विल और बी के दरमियान यहाँ लगाना है, अगर आपने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। अगर आपने इसका क्वेश्चन बनाना है तो सिर्फ आप विल को पहले लाएंगे, बी को नहीं लाएंगे। I will be reading different kinds of book. I will not be reading different kinds of book. Question में convert करना है, simple will को पहले ले आए, will I be reading different kinds of book? So easy हो गया, इसको आप पढ़ें ताकि आप इसे भी ज्यादा सीखेंगे। जब आप इसको अच्छी तरह समझ लें कि आपने इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने इसका क्वेश्चन कैसे बनाना है, उसके बाद यहाँ मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ये लिखा है। सॉरी, ये जैसे है, आई विल बी हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क, सो आपने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, इसके बीच में नॉट लगाना है। अगर इसका क्वेश्चन बनाना है तो आप इसको विल को पहले ले आए। ये मैंने तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, आपने यहाँ वीडियो को पॉज करना है, खुद ये लिखने हैं कॉपी पेंसिल पे, और उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको लिख भी दिया है, आप पहले कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि कोई गलती तो बिल्कुल नहीं हुई होगी, लेकिन अगर कोई गलती हो गई है तो आप इसको टैली कर सकते हैं यहाँ से देख के। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिखी हैं, लेकिन याद रहे कि यहाँ पे ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, विल बी यूज होगा। यहाँ मैंने सिर्फ विल दिया है, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर यहाँ पे लिखा हो कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस है तो आपने यहाँ विल बी लिखना है, राइट, इसकी फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आपने आई एन जी एड करना है, और स्पेलिंग आपको बिल्कुल सही आनी चाहिए कि आई एन जी आपने कैसे एड करना होगा, ये भी मैं आपको लास्ट लेसन में बता चुकी हूँ। यहाँ से ये देखिए, पहले आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, इट मीन्स कि ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये विल से स्टार्ट होगा, विल यू बी, यहाँ पे आपने गो के साथ आई एन जी लिखना होगा। पॉज करें वीडियो को, फिल इन द ब्लैंक्स खुद करें, सोचें, इसको अच्छी तरह समझें कि फ्यूचर कंटिन्यूस की क्या पहचान होती है, उसके बाद यहाँ आप इसको टैली भी कर सकते हैं, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है।
अब आगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके पास उर्दू में सेंटेंसेस होते हैं जो आपने जिसको इंग्लिश में करना होता है, मैं पिज्जा खा रहा होऊंगा, राइट, फौरन आप देख के समझ लें रहा होऊंगा फ्यूचर होगा, विल बी यूज होगा और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी होगा, जहां पे भी रहा हूं, रही है, रहे आया होगा, याद रहे ये फ्यूचर हो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा, जहां पे भी रहा हूं, रही, इस तरह की सेंटेंस है, लेकिन गा गी इससे आपको पहचानोगी ये फ्यूचर है, विल बी यूज होगा। हम खाना खा रहे होंगे, वो कश्ती बना रहा होगा, वो दरिया में गिर रही होगी, मैं ये काम कर रहा होगा, हम उनकी तारीफ कर रहे होंगे। ये देखें ये प्लूरल आ गया, आपने विल बी यूज करना है। मैं बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपके अच्छी तरह माइंड में सेट हो जाए कि विल बी है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आपने लगाना है। उसके बाद यहाँ मैंने ये आपके लिए लिख भी दिया है, लेकिन ये जो तीन सेंटेंसेस मैंने रेड में लिखे हैं ये इसलिए कि इससे इंग्लिश से उर्दू में आप ट्रांसलेशन करें, इससे भी आप सीखेंगे कार्स विल बी रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूचर, राइट। अब आपने इसकी खुद उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है, विल बी है फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है, फौरन आप समझ जाएं ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, राइट। जब ये आप अच्छी तरह सीख लें, इसके बाद आपने क्या करना है, साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आप इजीली देख सकें और समझ सकें, और बहुत शुक्रिया।